हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि न्यू ट्रिक के साथ बैगन का भरता कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ मैंने दो बड़े साइज के बैगन लिए हैं, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तीन बड़े साइज के प्याज लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए हैं, तीन बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है, तीन लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच सौंफ ली है। अब सबसे पहले हम बैगन में कट लगा लेंगे और इसमें लहसुन फंसा देंगे। इसमें तेल लगा लेंगे अच्छे से, ताकि जब हमारा बैंगन भून जाए तो उसका छिलका ऊपर से आराम से निकल जाए। अब इसे हम गैस पे ना भूंज के कुकर में 15 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो हम इन बैंगन को बाहर निकाल लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा बैंगन भून चुका है। अब इसका छिलका भी हम आराम से निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से निकल गया। कढ़ाई में 1.5 चम्मच तेल डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, सौंफ डालेंगे, जो लहसुन हमारा बैगन से निकला था वो भी डाल देंगे। इसे मैश करके डाला है, 2 सेकंड तक पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी 2 सेकंड तक पकाएंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज लाल ना हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज लाल हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, मिलाएंगे और 10 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मसाला भी भून चुका है। अब इसमें हम बैंगन डाल देंगे। बैंगन को हमें जब तक भूनना है जब तक इसका तेल बगल से नज़र ना आने लगे। बैंगन को हमें अच्छे से 10 मिनट तक भूनना है। देखिए हमारा बैगन अच्छे से भून चुका है, हमारा भरता तैयार हो चुका है। इसमें अब हरा धनिया डालेंगे हम। तो चलिए सर्व करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी? अगर आपको आज की हमारी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी रोज़ की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।